वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है, मैं कराची से इस्लामाबाद जा रही थी पेपर देने, तो मैंने कहा कुछ मेमोरीज आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए आप लोग मेरा ब्लॉग। चलिए जी, हाँ मैंने अपनी कुछ पैकिंग करना स्टार्ट की, अपने बॉक्स वगैरह लगेज में रखना शुरू की। कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं रखे थे क्योंकि जाहिर है पेपर देने जा रही थी। मेरे ख्याल में 4 या 5 जोड़े रखे थे मैंने। और फिर यहाँ से हम निकले, सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में जो लोग कराची के रोड्स जानते हैं उनको पता होगा ये कौन सा एरिया होगा। फिर चले हम, रास्ते में ही थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी शक्ल से ही। शाहराह फैसल का रोड है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है। चलें जी, फाइनली मैं स्टेशन पहुंच गई। वेट कर रही थी ट्रेन का कि वेट करते करते ट्रेन का टाइम हो गया। मैंने कहा कुछ ज़रा स्नैक्स ले लेती हूँ वहाँ जाके, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन में मैं चढ़ गई, जाके अपनी सीट मैंने ढूंढी क्या, वो तो आराम से मिल गई थी, पता था कौन सी है। जैसे ही मैं एंटर हुई, फ़ौरन ही फर्स्ट वाला जो रूम था केबिन, वही मेरी सीट थी। चलें अभी वेट कर रहे हैं, ट्रेन चले, वेटिंग। आपको पता है पाकिस्तान की ट्रेनें कितनी लेट होती हैं, जितने बजे का आता है लिखा हुआ कि इतने बजे हमें पहुंचाएगी, उतने बजे पहुंचाती नहीं है। फिर मैंने चाय मंगवाई, आराम से मैंने चाय पी, इतनी टेस्टी चाय थी, गर्मा गर्म चूल्हे की पक्की हुई जो चाय होती है ना वो। फिर वेट कर रहे थे, ट्रेन चले, खैर फाइनली ट्रेन चलने लगी। ये आ गई कराची की फेमस बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है पता है। खैर उसके बाद मैंने कुछ बुक्स निकाली और मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। बैठ गई, मैं अकेली थी जब तक, तो थोड़ा सा कुछ पढ़ा, मैंने कहा कुछ याद कर लिया जाए, पेपर देने जा रही हूँ। बैठी रही अकेले, ना कोई बात करने वाला था ना कुछ, फिर रखे। फिर मैंने कहा थोड़ी देर सो जाती हूँ मैं, थोड़ा सा पावर नैप ले लूँ ताकि रिलैक्स हो जाऊँ। उसके बाद मैंने सोना था और फिर सुबह उठना था। अकेला बंदा क्या करता है ट्रेन में, आपको पता है ना, कोई बात करने के लिए ना कुछ। मैंने यही सोच के मैं सो गई थी, मैंने कहा जब उठूंगी ना सुबह तो पंजाब आया पाऊँगा। और फाइनली जब मैं सुबह उठी सो गई तो पंजाब आ गई। देखिए माशाल्लाह 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 कितना प्यारा सवेरा हो रहा है, व्यू देखें आप कितना खूबसूरत है। अल्लाह की कुदरत है, जब आसमान इस तरीके का सुबह सुबह आप देखें तो हमेशा दुआ किया करें, अल्लाह ताला से जो भी हाजात माने मांगे आपकी हमेशा पूरी होगी इंशाल्लाह। फिर हमारा सफ़र चलता रहा, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी पहुंचना था, बहुत लंबा सफ़र था। पंजाब में मैं एंटर हो चुकी हूँ, ये आपको पता चल रहा होगा, जिन लोगों ने देखा हुआ है उन लोगों को सब कुछ पता है। अच्छा आई थिंक ये मेरे ख्याल में उकाड़ा है या फिर भावलपुर है, कुछ ऐसी ये जगह है, मुझे सही से एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने लोकेशन ली तो थी, कोई सा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नाम गुजर गया मुझे नज़र नहीं आया। आप लोगों ने जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा स्टेशन था। खैर चलें जी, हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया, मंजिल के बहुत करीब थे। मुझे तो रास्ते में इतनी थकान होने लगी थी कि मतलब बंदा ये सोचे कि अकेला बंदा और ऊपर से कोई ना बात करने वाला, फ़ोन भी कितना इस्तेमाल करता है। मैंने कहा चले आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाती रहती हूँ। आ गए खेत, गर्मी, फसल पक रही होती है। अच्छा हाँ, ये वाला स्टेशन मेरे ख्याल में भावलपुर का है, देखते हैं कौन सा है।
क्योंकि मैंने जगह जगह से ना थोड़े थोड़े से ना उनके स्टेशन के नाम ही कैप्चर किए थे। धूप देख रहे हैं आप, तब के मैं अंदर हूँ। हाँ जी, याया भावलपुर अंदर से ही आप देख लीजिए कितनी कड़क धूप हो रही है। सही ना, मैं किसी स्टेशन पे उतरी, ना मैंने जाके बाहर का व्यू देखा, ना मैंने चाय पी, ना कुछ, जो कुछ ले रही थी, खरीद रही थी, कुछ भी, वो सब मैं अंदर ही ट्रेन के कर रही थी। फिर साहिवाल आया, ये साहिवाल। खैर, फिर मैंने कहा थोड़ा सा और पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ाई स्टार्ट की। पढ़ते जा रहे हैं, बस अल्लाह से दुआ है कि अच्छा सा रिज़ल्ट आए। आप सब लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे पेपर्स में कामयाब करे और अच्छे 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 मार्क्स आए मेरे और मैं पास हो जाऊँ इंशाल्लाह। चलें, ये आ गया ओकाड़ा स्टेशन। देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल में हर स्टेशन पे 2 या 3 मिनट का स्टॉप होता है। ओकाड़ा आ गया, चलें फाइनली लाहौर आ गया। लाहौर की तो आप चाट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने यहाँ से चाट खरीदी थी, मंगवाई थी बल्कि, खाई मैंने, बहुत टेस्टी चाट थी। फिर अकेली रात हो गई है, आप देख सकते हैं। अंधेरा, यहाँ मैं कह रही हूँ लंबा सफ़र। फाइनली फाइनली कुछ देर में, काफ़ी सारे स्टेशन थे जिनको मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि अंधेरे में नज़र नहीं आ रहे थे। फाइनली फाइनली पिंडी मैं पहुँच गई। बस अब मैं पिंडी स्टेशन का वेट कर रही हूँ, 1 से 2 मिनट में आने वाला था, इसलिए मैं खड़ी हो गई थी और मैंने कहा मैं जाऊं गेट तक। मैंने कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने रास्ते के बनाए हैं कि जहाँ से मैं पिंडी स्टेशन से और घर तक जा रही थी, तो वो कुछ मैंने कैप्चर्स किए थे, वो देखिएगा। आई होप कि आप सब लोगों ने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।